तो दोस्तों यूपी टेट छात्रों के लिए बड़ी खबर है कि टीईटी के लिए 15 जून से आवेदन शुरू होने के आसार बहुत ही कम है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू कराए जाने की तैयारी है और इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में मतलब 15 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के आसार कम है, प्रस्ताव को अब तक शासन से मंजूरी नहीं मिली है। तो दोस्तों आप लोग परीक्षा की अपनी तैयारी करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले हमारा पेपर यूपी टेट का 25 जुलाई ठीक है 2021 को होने वाला था, लेकिन जिस हिसाब से लेट लतीफी हो रही है उससे दोस्तों एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पेपर मैक्सिमम अगर लेट होगा तो 25 अगस्त तक जाएगा। लेकिन गाइस अब अंतिम रूप से तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि अब ज्यादा समय आपको मिलेगा नहीं। कोरोना से दोस्तों हालात पहले से काफी ज्यादा सुधर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है गाइस कि सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाए क्योंकि यूपी टेट के बाद तुरंत सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा या हो सकता है दोस्तों शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यूपी टेट परीक्षा के दौरान ही आ जाए। जैसे ही दोस्तों यूपी टेट का रिजल्ट घोषित होगा उसके तुरंत बाद सुपर टेट के लिए दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो फिलहाल वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि 15 जून तक मतलब आवेदन शुरू होने के आसार बिल्कुल जीरो हो गए हैं ठीक है, क्योंकि शासन से मंजूरी नहीं मिल पाई है। अगर मिल जाती तो गाइस 15 जून से ही आवेदन का प्रोसेस शुरू हो जाता। पहले आपको बता दें यूपी टेट का पहले विज्ञापन जारी किया जाएगा ठीक है, ऑफिशियल विज्ञापन के बाद ही यूपी टेट का प्रोसेस शुरू होगा। और बता दें कि इस बार जो आप यूपी टेट का पेपर देंगे उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो सकती है। तो परीक्षा की तैयारी दोस्तों जी जान से आप करिए और कोशिश करिएगा कि आप पेपर में कम से कम नहीं तो 120 प्लस स्कोर कर पाए क्योंकि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है दोस्तों जो टेट के हमारे नंबर हैं उसका 1/4 अंक सुपर टेट के बाद शिक्षक भर्ती की मेरिट में लिया जा सकता है। पहले एक ऐसा प्रस्ताव आया था लेकिन इसको भाई मंजूरी नहीं मिली, नहीं तो यूपी टेट का भी 1/4 नंबर शिक्षक भर्ती के गुणांक में जोड़ा जाता ठीक है। लेकिन आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम नहीं तो 120 नंबर, 90 नंबर की तैयारी आप मत करिएगा कि सिर्फ पासिंग मार्क सोचें। और चलिए बता भी देते हैं जनरल कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क होती है दोस्तों 90 नंबर, बाकी आरक्षित वर्ग चाहे ओबीसी हो एससी हो एसटी हो सभी बच्चों के लिए पासिंग मार्क है 82 नंबर। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप छात्र हैं तो भी आपको पास होने के लिए 82 नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और वीडियो के माध्यम से बस यही खबर थी कि 15 जून से आपके आवेदन शुरू नहीं होने वाले, लेकिन आप अंतिम रूप से पढ़ाई शुरू कर दीजिए क्योंकि ज्यादा समय अब आपको नहीं मिलेगा। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस।